गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग बोल दो जल्दी से, गुड मॉर्निंग बोल दो। ये रहा कैमरा, ये रहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उसकी तरफ से, अभी बोलना सिखा रहा हूँ मैं उसको गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं चर्च, रशियन चर्च। अब आप सब लोगों को पता है कि भाई सात्विक की मम्मी की साइड तो क्रिश्चियन है, तो ये लोग तो भाई चर्च में लेके जाएंगे। तो इसकी मम्मी ने और मौसी ने बोला साथ, लेना की मम्मी और लेना की मौसी ने कि इसको सात्विक को एक बार चर्च लेके जाना चाहिए, कि तुम मंदिर भी ले गए थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान तो एक है, हम चलो इसे एक बार चर्च भी ले जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले मौसी के घर, क्योंकि मॉस्को में मौसी के घर के पास ही कोई चर्च है, वहाँ लेके जाना है। तो वहाँ पे कुछ पूजा वूजा करेंगे, आई डोंट नो क्या है, कि उसके बाद वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं एक दो बार गया हूँ, मैं तो चर्च गया हूँ एक तरह से घूमने के उससे, तो इसलिए देखते हैं कौन सा चर्च है, कैसा चर्च है, वहाँ क्या होता है। तो पहले भी आपको लेके जाते हैं मौसी के घर पर, और उसके बाद फिर हम आपको लेके जाते हैं चर्च, ठीक है। तो अभी हम आपसे मिलते हैं फिर मौसी के घर पर, ठीक है। Как его зовут это? Пуха. Пуха. Пушок. So boys and girls, हम आ गए हैं मौसी के घर पे, और ये है पुखा। पुखा मतलब soft, और ये really बहुत soft है, you know. देख रहे हो Russian cat. This is Russian cat. अभी इसका एक और भाई है, वो नीचे चला गया डर के मारे, थोड़ा डरता है, वो शर्माता है। ये बहुत ही क्यूट है सच में। ये इसकी मौसी है, यहाँ पे इनके घर पे हम पहुँच चुके हैं। सात्विक तू भूखा से मिला तू? तो अभी हम एक, ये है रशियन फ्लैट लाइक, वैसे तो अच्छा बन चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इनकी किचन है, ये मौसी जहाँ जहाँ आज तक गई है ना, कई देशों में घूम के आई है, सब लगा रखा है। 14 फ्लोर है, हम 14 फ्लोर पे खड़े हैं। सो फ्रेंड्स, हम हैं 14 फ्लोर पे, आप देख रहे होंगे हाइट, तो आपको समझ में आ रही होगी कि कितनी हाइट है। ये भी चर्च है, एक सामने आपको दिख रहा हो ब्लैक कलर का है ना। ओ आज मौसम साफ है, बहुत ही सुंदर यहाँ से मेरे को व्यू लग रहा है, बहुत ही सुंदर, हाइट से अच्छा लगता है। डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, वहाँ लोग जा रहे हैं छोटे छोटे उसमें। जुम 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 बाबा, ओए मैं कहाँ फंस गया। सो ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक 12 बज चुके हैं, आप देख रहे हो पूरे 12। मेरे को पेट्स बहुत पसंद है, और मेरे को पेट्स बहुत जल्दी
एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, अगर कोई भी हो, अगर रोड पे भी कोई डॉग मिल जाता है ऐसा कुछ, तो अगर मैं उसको प्यार करता हूँ तो बहुत जल्दी मेरे को वो अपना लेता है, कोई गुस्सा नहीं करता है ये सब करके। ऐसा लगता है मुझे कि मैं इनसे एकदम रूबरू हूँ, एकदम अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ। वो ये आया दूसरा, हाय बेबी, आका की हो जाओ, वास्या दवाई जी सुधा, वास्या वास्या, इसकी टेल देख रहे हो कितनी बड़ी टेल है, इंडियन बिल्ली नहीं है, रशियन बिल्ली है, मोटी मोटी। गया अंदर। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कुछ देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चाय वगैरह पीते हैं, चर्च जाना है फिर। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चर्च। ये यहाँ पे पार्क बनाया हुआ है, लेकिन क्या बनाया हुआ है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इसके अंदर से निकलने का बच्चों के खेलने के लिए है, क्या है नाइस ना, ठीक वाला चुची रहे मामा बहुत। गाइस इस चर्च में हम जा रहे हैं, बहुत इस चर्च के अभी अंदर हम जाएंगे, देखते हैं, लग तो सुंदर रहा। वो हो सात्विक, सात्विक एक्साइटेड हो रहा है, सात्विक रेडी है जाने के लिए, है ना। एक बज चुका है, हमारा टाइम है, चर्च है, ओह सुंदर है ना चर्च। बहुत फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहनते हैं ना सर पे ऐसे, यहाँ पे भी रोल सर पे पहनने का, लेकिन लड़कों का सर पे पहनने का रोल नहीं है, लड़के लोग सर ढकेंगे नहीं, और चर्च में शूज़ पहनना अलाउड है, एवरीबडी शूज़ पहनना अलाउड है। सात्विक आज पहली बार तुम चर्च में आए हो, ओए ओए, दिखा देता हूँ आपको चर्च कैसा होता है। सब चर्च अलग अलग तरह के होते हैं, जो सबसे बड़ा चर्च है वहाँ पे अलाउड नहीं है एक्चुअली। मेरी अगर आपको आवाज़ कम आ रही हो, धीरे आ रही हो, प्लीज़ उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना। वाओ कितना बड़ा ये झूमर, यहाँ पर कैंडल लगाई हुई है। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि मैं जूतों में आता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है रियली, इसलिए हाँ शायद वो यहाँ ठंड होती है इसलिए ऐसा है, लेकिन क्या करें। और यहाँ बैठे हैं नहीं, सिर्फ खड़े होकर, हाँ यहाँ सिर्फ खड़े होके, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स है तो यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर। ये ज्वेलरी ऐसा क्यों लगा रखे हैं, ये क्रॉस है, ये सब कुछ बकता है इसका कुछ, तो यहाँ से ये ले सकते हैं नहीं। चर्चेस में लोग बैठे बेंच पे, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में नहीं बैठे, पूरे चाहे 3 घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर पूजा करते हैं। और धीरे हो गई, अच्छा मैंने सोचा तुम जोर से, दवाई थोड़ा दे से, होली वाटर ले सकते हैं।
कोई भी आ सकता है, कोई भी कितना भी ले सकता है। ओके रोज इसको वो पूजा करते और इसको क्रॉस डालते हैं, इसके अंदर क्रॉस। गाइस देख रहे हो ये होली वाटर है, यहाँ सब सबके धर्म में सेम है, थोड़ा कुछ अलग तरीका बना दिया, फोटोज चेंज कर दी, सबकी एक ही चीज़ है, सब सर ढक के आ रहे हैं। यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, तेल दिया जला रखा है, धूप बत्ती जलाते हैं, सॉरी अगरबत्ती मोमबत्ती प्लस सेम वही पूजा है, सर ढककर पूजा कर रहे हैं। बच्चे को कृष्ण बनाने के लिए पहले नहलाते हैं सब करके, नो सब रूल सेम है हम लोगों की जो स्टाइल है कि हम लोग अच्छा स्कर्ट्स पहनते हैं औरतें चर्च के अंदर, ये जो चर्च में काम करती हैं। पास में चलते हैं थोड़ा और कुछ दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ है। छोटे से टुकड़े हैं लोगों के, ये जो सेंट्स हैं इनके छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स, हाँ बॉडी के पार्ट्स, ये छोटे छोटे टुकड़े जो होली पीपल थे यहाँ के जो सेंट्स थे उनका कुछ ना कुछ पार्ट है। और वो कभी तक खराब नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स उसको कुछ ना कुछ केमिकल लगा है अपने आप, क्योंकि ये होली, हाँ वाओ सब पावरफुल चीज है यार। हम भी कैंडल लेंगे, कैंडल ये जो लगाए हुआ है इसका मेरे को सभी से मीनिंग नहीं पता चला। हाँ हम लोग भी कैंडल लगाएंगे या तो जिधर हम यानी लेसन, मेरे को कैंडल नहीं दिया क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ यार, ये मेंटलिटी कब निकलेगी, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोग कैंडल लगा सकते हैं, जबकि मैं चर्च में गया हूँ और मैंने कैंडल लगाई है, ऐसा नहीं है। ये हमारा किला, इस किले का छोटा सा दरवाजा और पीछे हमारा जो किला है बनेगा, अभी हमने पहले दरवाज़ा बनने दे दिया है, ये बन चुका है, दरवाज़ा तैयार हो चुका है, फिर इसके पीछे हम किला बनाएंगे। आप देखो यहाँ पत्थर पे हमने अपना नाम वाम लिखवा दिया है, स्पेशल रशियन में है, आपको नहीं समझ आएगा। ये थोड़ा लकड़ी का हमने बनवाया है झूला पूला, दिखा देते हैं हम आपको, देखो ये चीज़ के लिए है भाई, ये घूमने के लिए, इसके ऊपर घूमना है, बैलेंस करना है प्रैक्टिस के लिए, कि अगर आप कहीं खाई वाई में हो तो कैसे। मैंने न्यू शूज लिए हैं, देखिए न्यू शूज टिम्बरलैंड, इट्स कॉल्ड टिम्बरलैंड राइट, टिम्बरलैंड ब्रांड है कोई, आई डोंट नो है ब्रांड, बहुत एक्सपेंसिव जूते हैं इसके, बड़ा ब्रांड। मुझे से गुलियाली हिगरेली पैखली डल्ज। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं, घर पे आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके बैठे हैं, अभी लेना मेरे लिए चाय बना रही है, सात्विक उधर खेल रहा है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो ये वीडियो मैंने बनाई है इसको ऐड कर लूँ। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के बहुत से डिसलाइक आएंगे और कुछ लोग मेरे को कमेंट ये करेंगे कि भाई तुम तो पंडित जी बंदे थे, तुम तो जनेऊ पहनते हो, तुम तो बहुत वो करते हो, और तुम अपने लड़के को चर्च में ले गए और ये सब करके। भाई देखो लड़की का जो डिपार्टमेंट है उस साइड, जो उसकी मम्मी और मौसी चाहती थी कि इसको चर्च लेके जाओ, उसको थोड़ा सा क्रिश्चियन का वो एंजल से
प्रोटेक्ट करने के लिए, जो जो करने के लिए उन्होंने बोला, जो वो चाहते करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान भाई एक है तो। लेकिन दूसरा, जो अभी कुछ भी करवाने से बाद में वो कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं, बाद में बड़ा होगा, चाहे ये धर्म कोई सा अपना है, ये तो इसकी वो है, लेकिन अभी इन लोगों का मानना ये था कि इससे थोड़ा एंजल को वो मिलेगी, चर्च में ले जाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी जाता हूँ चर्च कभी कभार, कैसा नहीं है। और ये मैंने देखा, आपको दिखाना चाहा कि चर्च में कैसा होता है, रशियन चर्च में सब करके वीडियो अलाउड थी, तो मैंने कहा चलो आपको इस बहाने आपको रशियन चर्च भी देख लेंगे, क्योंकि चर्च हर कोई तो नहीं जाता है ना, प्लस ये ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ये कैथोलिक चर्च नहीं था, ऑर्थोडॉक्स में सिर्फ खड़े रहते हैं और ऐसे प्रे करते हैं, और कैथोलिक में तो बेंच वगैरह होती है, वहाँ बैठ के प्रेयर करते हैं सब। तो अभी फाइनली घर आ गए, और आप लोगों ने यहाँ तक अगर देखा, फुल मेरी वीडियो देख ली है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और बस अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीक कौन सी डेट है, नेक्स्ट वीक हम लोग जा रहे हैं पीटर, सेंट पीटर्सबर्ग, तो वो तो व्लॉग आपको दिखाएंगे, उससे पहले जो कुछ भी होता है स्पेशल वो तो फिर आपको देखना ही है, वो तो सब मैं बनाऊँगा दिखाऊँगा ही आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में, तो दसवीं दानिया।